प्यारे रानीबाग के वासियों, आज 18/5/23 को हमारी बहन जी, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, बहन मिथिलेश पाठक जी, और वार्ड नंबर 60 के से ज़्यादा तो मैं देखूँगा दिल्ली के अंदर सभी स्तर के दिल्ली वासियों से इनका बहुत गहरा रिश्ता है रहा है। पहले मैं वार्ड नंबर 60 की बात करूँगा क्योंकि वार्ड नंबर 60 का सेवा का संकल्प इन्होंने ले रखा है। तो बहन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अब आपकी दिनचर्या क्या रहती है दिन भर? दिनचर्या यही है कि सुबह उठकर 10 बजे हम लोग ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी विधायक से संपर्क में कितने भी काम है, आपके पानी का, शिक्षा का, वो सारे काम होते हैं। जनता आती है, जनता बैठी हुई है और सभी अपने काम। अभी फिलहाल में हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का काम चल रहा है और ये जो दिल्ली जल बोर्ड से जो पानी के बिल आए हैं उसके ऊपर चल रहा है कि हम इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करा सकें। अभी हमारे जेडारो पीछे एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी मंडे के बाद नए जेडारो आ जाएंगे और उसमें काम जनता की सेवा करके इनकी जो आप अपनी अपने जो एक परिवार है आपका सेवा करके कैसा महसूस होता है आपको? सुबह उठने से लेके जब शाम को घर तक जाती हो तो इतने बड़े परिवार के साथ 10 बजे से 1 बजे तक मैं यहाँ होती हूँ और फोन मेरा 24 घंटा खुला होता है। भरी स्टेज से बच्चे को मैं ऊपर से ही बोलती हूँ कि भाई ये मेरा नंबर है, कभी भी कोई भी कॉल करे मैं हमेशा उठाती हूँ। और मेरा एफपी पे भी मैंने लिख रखा है कि सेवा मेरा जनून है और सेवा हमेशा जारी रहेगी। और मैं जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ कि मैं किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने। आगे और क्या क्या चुनौतियाँ आपको लगती हैं कि अभी आपके आप प्रयास करेंगे कि जो लोगों की जनता के लिए यहाँ पे अपने क्षेत्र की समस्या सारे कामों के लिए प्रयास है। यहाँ पर MCD के भी काम आते हैं, वो भी होते हैं, हर तरह का काम करते हैं। और मैं कोई काम करने के लिए अकेले में कोई ताकत नहीं हूँ। ये सारे मेरे बहन भाई हमारे रमेश अगल जी हैं, इन्होंने देखो सेवा के लिए हमें पहले भी हमने 7 साल ऑफिस चलाया है। काम करने वाले को जगह की जरूरत नहीं होती, दिलों की जरूरत होती है और सिर्फ एक कुर्सी और एक छोटी से जगह की जरूरत है, वहीं से बैठ के काम होता है और काम करेंगे। हम तो गलियों के राजा हैं, गलियों में ही रहते। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।